चार बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस को टूर्नामेंट का आगाज। मैच में तीन बार की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों 5 विकेट से हार कर करना पड़ा। टीम ने चेन्नई के सामने 163 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन गेंदबाज स्कोर को बचा नहीं सके और टीम को हार नसीब हुई। इस हार के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने अपना बयान दिया। रोहित शर्मा ने मैच के बाद कहा कि हमें पिच के मुताबिक खेलने की जरूरत है। जब ओस पड़ती है तो बाद में बल्लेबाजी के लिए पिच और बेहतर होती जाती है। आपको बस गैप निकालने होते हैं और अपना फोकस बनाए रखना होता है। अगर जरा सी भी चूक हुई तो विरोधी टीम आप पर हावी हो सकती है। हमें बस समझने की जरूरत है कि क्या करना है। इसके अलावा रोहित शर्मा ने सीएसके के गेंदबाजों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद सीएसके के बॉलर्स ने हमें ज्यादा रन नहीं बनाने दिए। इसके अलावा फाफ डुप्लेसिस और अंबाती रायडू के बीच साझेदारी भी काफी अहम रही। उन्होंने कहा कि जिस तरह अंबाती रायडू और फाफ डुप्लेसिस ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बैटिंग की, उस तरह हमारी टीम का कोई भी बल्लेबाज आखिरी तक टिककर नहीं खेल पाया। इसके अलावा बैटिंग में हम शायद पहले 10 ओवर में 85 रन बना चुके थे, लेकिन सीएसके के गेंदबाजों ने बेहतरीन वापसी की और उन्हें इसका काफी श्रेय जाता है। सीएसके की टीम का अगला मैच 22 सितंबर को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ है, वहीं मुंबई इंडियंस का अगला मैच 23 सितंबर को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ है। ऐसे में मुंबई इंडियंस की कोशिश होगी कि अगले मैच में वो जीत दर्ज करे, क्योंकि पहली हार के बाद रोहित शर्मा को महसूस हो गया है कि कहां गलती रही। इस वीडियो पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।